Hello ठीक है। आ, नमस्ते बच्चों मैं दुष्यंत आप लोगों के लिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के अंदर हम लोगों ने एक क्लास पहले कंडक्ट किया था एक क्लास आज कंडक्ट कर रहे हैं हो सकता है कि शायद अगर जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे इसका कंटेंट जिस तरह से मैं देख रहा हूं मुझे लग रहा है इसका कंटेंट काफी अच्छा है तो शायद हो सकता है हमें एक क्लास की और जरूरत पड़े या इसका कंटेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो मुझे एक ऐसी फील है कि शायद हमें एक क्लास की और जरूरत पड़ सकती है ठीक है लेकिन फिर भी आज जितना होगा पॉसिबल होगा हम लोग इसको खींचेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इसको बाइंड अप करने के लिए क्योंकि इसके अंदर टॉपिक बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग इसमें धीरे धीरे कवर करते जाए तो ये वो टाइम होता है जिसके अंदर हम लोग किसी टॉपिक को डिटेल से कवर करते हैं उसके को समझते हैं समझाते हैं समझाते डिस्कस करते हैं। और साथ में पी भी डिस्कस किए जाते हैं ठीक है तो इसमें स्टार्ट करते हैं उससे पहले फ्री आ, क्लासेस जो होंगी वो आप यहां से स्कैन करके आप लोग कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बुक्स हैं जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हो ये प्राइसेस हैं जो अभी अप्लाई होंगी इसके बाद में आ, जो अनडमी लाइट डिस्टेंस प्रोग्राम सब्सक्रिप्शन है ये अभी तक के लिए वैलिड है और इनके लिए कुछ डिस्काउंट इस तरह से दिया गया है और जो प्रिंटेड नोट्स है थर्टी फर्स्ट तक के लिए वैलिड है और ये प्राइसेस हैं जो उसके लिए दिया जाता है आप लोगों को और अगर आप चाहें तो ई पे भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो ठीक है कृष्ण प्रकाशन सर स्टार्ट कर रहे हैं उम्मीद बैच के अंदर फ्लूड मैकेनिक्स नेक्स्ट विवेक गुप्ता सर स्टार्ट करें स्ट्रक्चर एनालिसिस इसके बाद में एक्सक्लूसिव आइकॉनिक टेस्ट ठीक है आ, गेट एंड ईएससी जो ड्रीम्स है उसके लिए आप लोग चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो ओके मैं इसी फाइल को दोबारा से इसमें ओपन करते हैं जस्ट वेट ठीक है चलिए फिर अब इसी के बेसिस पर आज आपकी क्लास जो है वो हम लोग इसी में रखेंगे आप लोगों को ठीक है चलो बच्चों आज आ, क्लास को हम लोग इसी में कैरी करते हैं अच्छा आप लोगों को यहाँ तक के ऑडियो वीडियो जो है वो आ, सभी अच्छे तरीके से क्लियर है ठीक है चलिए बेटा ओके okay, बेटा ये मैसेजेस हमारे पास में आए नहीं इतनी देर तक हाय सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग कोई बात नहीं अगर नहीं किया हो तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हो और ठीक है ओके okay. कोई बात नहीं चलिए बच्चों अब हम लोग क्लास को यहाँ से इसमें समझते हैं ठीक है चलिए बच्चों यहां तक आप लोगों को ओके okay, ये आ, क्यों नहीं इसके अंदर शो हो रहा है Okay. बच्चों आप लोगों के कमेंट्स हमें हमारे पास में नहीं आ रहे हैं तो आप लोग ठीक है शायद आई थिंक अब आ जाएंगे तो इसमें देखना इस तरह से चलो यहां तक आपकी क्लास जो भी जितने भी हमारे पास में पहले जो पढ़ चुके हैं उन्हीं के आगे का कुछ कंसेप्ट है हालांकि ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी एक बार बस जस्ट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आप कंफर्म कर दीजिए अरे कर रहे हैं भाई कर रहे हैं पहले एक बार ये तो समझ में आ जाए कि लिए सारा सिस्टम वगैरह तो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है स्टार्ट ठीक है चलिए देखिए ये है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स अब इन्हीं के लिए आ, ठीक है अब इसमें देखो ये जो हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं उनको ओके चलिए इक्विपमेंट्स को क्यों इसमें रखा जाता है क्या सार्थक लेंगे हाइड्रो लेंगे ठीक है थामबा पहले पढ़ लो, ठीक है चलो बेटा अभी के लिए आ, हम लोग आ, यहां से आ, यार ये क्या सीन है यार इसका, ठीक है अब देखिए इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्यों दिए जाते हैं क्या उसके कंडीशन होती है तो उसको इस समझ इस तरह से देखना कि हम लोग इक्विपमेंट्स को इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी कोई हमारे पास में ठीक है जो भी कोई हमारे पास में वर्क हम लोग जो परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम लोग इकोनॉमिकली या फिर यू कहे ठीक है तो आ, यहां पर यू कह सकते हैं कि सेफ्टी स्पीडली टाइमली ये सब चीजें हैं जिसको हम लोग वहां पर पूरी कर सकते हैं तो ये एक छोटा सा हमारे पास में एक रीजन है जिसके लिए इक्विपमेंट्स को रखा जाता है और इसके साथ में खास बात ये भी है कि जितना भी जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है उसका ये लगभग नो डाउट हो सकता है कि आपको 20 पच्चीस मतलब 15 से 20 परसेंट या 30 परसेंट के आसपास नियर अबाउट कॉस्ट है जो कि हम लोगों को मिलता है तो ये कहीं ना कहीं पे एक रीजन है जो कहा जा सकता है ठीक है अब ये हमारे पास में जो हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर दिए गए इन इक्विपमेंट्स को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं स्टैंडर्ड और स्पेशल ये मैंने कुछ डिस्कशन पहले किया था तो हमारे पास में जो नॉर्मल टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स और जो दूसरे हमारे लिए स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स जो कि हम लोग सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही जिसको प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो अगर हमारे लिए जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगर हमने बात करी होगी तो उसके लिए हमारे पास में जो काम में आने वाला इक्विपमेंट्स हैं वो होंगे जिनका एक नाम रखा जा सकता है ठीक है तो उनका नाम हम लोग कहेंगे ये स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स है जिनको हम लोग यहां पर कैरी करते हैं ठीक है और अगर सब हम लोग बेटा प्लीज पढ़ लेते हैं हम लोग ये जो हमारे लिए इक्विपमेंट्स है इनके स्पेयर पार्ट वगैरह भी इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं ठीक है तो इनको स्पेशली हम लोग ये कह सकते हैं कि आ, जब रिक्वायरमेंट होगा सिर्फ तभी हम लोग इनको प्रोवाइड करना होगा यार तो दिक्कत हो गई ठीक है अब इसमें देखना नेक्स्ट यहां पर जो ये इक्विपमेंट्स है उस दिन हम लोगों ने जो पढ़ा था वो लगभग यहां तक हम लोग इनको पढ़ चुके थे होस्टिंग इक्विपमेंट आज का टॉपिक है आपने अर्थ कॉम्पेक्शन और ये जो है इनके बारे में उस दिन पढ़ लिया था हालांकि मैंने बच्चों इन सभी के बारे में सभी के बारे में ऑलरेडी ये आ, आ, आपको आ, वीडियोस वगैरह जो है, वो हमारी द कंटेंट फाइल जो है उसके ऊपर मैंने अपलोड कर दिया है तो आप वहां से उन सारे वीडियो के थ्रू इनको समझ सकते हो तो मैं अब यहाँ से आपका जो मे, आ, जो पोर्शन है उसको मैं अब यहाँ से कुछ हद तक एक तरह से कह सकते हो कि बैक साइड में जाते हैं ताकि आप लोग इनको समझ सको इतना पोर्शन आप लोगों का उस दिन मैंने कवर कर लिया था यहां पर क्रमशेल वर्टिकल के साथ में होगा ब्लैक होए आज का डिस्कशन यहां से चालू होगा आप लोगों होस्टिंग होस्टिंग इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट्स ये क्या होते हैं कोई बात नहीं बेटा छोड़ दो प्लीज आरपी प्लीज छोड़ दीजिए हाँ वो एक्चुअली मैं सॉरी वो थोड़ा सा क्या है ना कि फाइल्स को अरेंज करने में टाइम लग रहा है और आज की जो फाइल्स है वो थोड़ी सी अलग है मतलब वो आ, फाइल की जो लेंथ है वो थोड़ी सी हमारे पास में ज्यादा है तो इसके चलते हम लोग उसको लो कन्वर्ट uh, नहीं कर पा रहे है उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर रन नहीं कर रही है ये ठीक है कोई बात नहीं मैं अब यहाँ पर आप लोगों को से से अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ एक बात सोचो कि बेटा जब अगर हम लोग बड़े uh, किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ हम लोगों को वहां हम लोगों को क्या होता है कि पूरी तरह से इक्विपमेंट्स वगैरह जो होते हैं या फिर जो मशीनरीज होती है उन सभी को हम लोग ठीक है उन सभी को या कोई मटेरियल होगा उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना होता है और उन सब के लिए हम लोग वहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट है जिसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं और जो वो स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट जिसे हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं राइट उसी का नाम होता है इक्विपमेंट ये है वो जिसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं अब ये हॉस्टिंग इक्विपमेंट की अगर बात की जाती है बेटा तो ये अलग अलग टाइप के होने वाले हैं इतना तो नाम से भी होगा इतना तो शायद जरूरत के बेसिस भी आपको समझ में आ रखा होगा कि इनको सबको हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट अलग अलग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ठीक है में एक चीज है जिसको आपको समझने की जरूरत है और वो इस तरीके से कि जब हम लोग इतना हैवी वेट उठा के एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाएंगे ठीक है जब अगर हमारे पास में यहां पर आ, 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 जब इनको सभी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह जब लेके चलते हैं तो उसके लिए हमारे पास में एज पर द रिक्वायरमेंट भी हम लोग इनको आ, डिवाइड करते हुए जाएंगे अब ये कौन कौन से हैं क्या क्या है तो इन सभी का डिस्कशन है जो कि हम लोग यहां पर

घूम सकते हैं हाँ एलिवेटेड होगा लेंथ में होगा हॉरिजॉन्टल मतलब ये अलग अलग तरह से जो केसेस हैं पे बनते हुए दिखाई देंगे लेकिन हाँ इन सभी के बेसिस पे ये कहा जा सकता है ये कहा जा सकता है कि हमारे लिए जो भी कोई एक ये मटेरियल है उस मटेरियल को उठाने के लिए लिफ्ट ले करके एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए हम लोग जो हॉस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं उनमें से एक है हमारे पास में जिसको बोलते हैं क्रेन क्या क्रेन के लिए कहा जा सकता है कि यह अपने आप में थ्री डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ द वेट है जिसको किया जा सकता है अगर मैं आपसे कहूं कि क्रेन के लिए अगर मैं जिक्र करने के लिए कहूंगा तो क्या क्रेन का पर्पज जो इक्विपमेंट का ही एक पार्ट है ठीक है वो अपने आप में एक्चुअली में अगर हम लोग चाहें तो उसको थ्री डायमेंशनल मतलब तीन जगह पर या जो होता है ना वो उठा के लेके जाना है इधर से उधर मतलब जो हमारे पास में एक्स वाई जेड तीन किसी एक प्लेन में नहीं है मतलब एक ग्राउंड सरफेस पे नहीं उसको लिफ्ट करके भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं यही है इसका तात्पर्य जो थ्री डायमेंशन में कहा जाता है तो अब मैं यहां तक का जो स्टेटमेंट है उसको आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं इज द ऑपरेशन ऑफ द लिफ्टिंग ऑर वेट फ्रॉम द वन लोकेशन एंड मूविंग इट अनादर लोकेशन विच इज अ रिजनेबल डिस्टेंस एंड देन डंपिंग इट इसके साथ इसको हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं इंक्लूड्स अ जैक विंचेज क्लेम ठीक है और दूसरा यहां पर जो ये पहला इक्विपमेंट हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है दैट इज क्रेन अगर हम लोग हॉस्टिंग इक्विपमेंट uh, uh, की बात करते हैं तो क्रेन इज द ओनली सिंगल मशीन विच एज अ सिंगल पीस इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग थ्री डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ अ वेट आई होप बेटा ये वाला वर्ड और ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि हॉस्टिंग में जो हमारे पास में क्रेन एक ऐसा सिंगल होगा जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि वो थ्री डायमेंशनल जो मूवमेंट है वो कराने में अपने आप में कैपेबल है ठीक है हालांकि अपने आप में जितने भी जो क्रेन्स होते हैं उनके जो क्रेन्स है उनका खुद का वेट होना बूम लेंथ होना बूम एंगल वगैरह ये सारी चीजें आपको यहां पे मिलेंगी अच्छा इस डायग्राम में पहले तो इस बात को यहां पे देख लो कि ये जो भी हमारे पास में क्रेन है क्या ये यहाँ पर इसके सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट होती हुई दिखाई देगी आपको इस डायग्राम में ये चीज क्लियर रहा होगा कि ये यहाँ पर सेंट्रल लाइन के अबाउट है जो कि इस तरह से रोटेट हो सकती है यहां पर दूसरा और ये वाला पोर्शन जो है इसको जिक्र करने पर हम लोग ये कहते हैं कि यह क्या है हमारे लिए इसे जो बोला जाएगा बूम और यह होगा होस्ट मोशन जो भी हुक के साथ में हम लोगों ने यहां पर जितना मटेरियल मिला होगा तो उसे वर्टिकली मूव करने के लिए हम लोग इसको रखते हैं अच्छा ये काउंटर वेट क्यों रखा गया तो काउंटर वेट के पीछे बड़ा सीधा सिंपल सा लॉजिक है अगर मैंने ये काउंटर वेट नहीं रखा है तो क्या इस केस में इस व्हीकल को सॉरी जो भी हमारे पास में यहां पे मटेरियल लिफ्ट होके आएगा तो चांसेस है ओवर टर्निंग वगैरह के राइट चीज आपको समझ में आएगा कि अगर हम लोगों ने यहां पर इसको बैलेंस नहीं किया है तो शायद चांसेस बन सकते हैं कि वो पूरा अपने आप में आ, इस तरह से रिवर्स में आता हुआ हमें दिखाई दे ठीक है तो ये हमारे पास में कुछ इसके पार्ट्स हैं जिनका यहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अब इन्हीं के बाद में नेक्स्ट इसी को देखो स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्रेन इंक्लूड एक तो उसका वेट होगा मॉडल सीरियल नंबर बूम लेंथ बूम एंगल जिब लेंथ स्विंग स्पीड ठीक है ये इसमें एक जिब लेंथ होगा वो यहां तक के लिए बैक साइड में दिया गया जो काउंटर के लिए हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं काउंटर वेट के लिए जिसको हम लोग यूज करते हुए जाएंगे अब इन्हीं की अलग अलग है जो आप लोगों को यहां पर उसमें देखना होगा ठीक है अच्छा इसमें एक होता है ईओटी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जो हमारे पास में क्रेन या ओवरहेड क्रेन है बोला जाता है यहाँ पे ठीक है अच्छा इसमें सबसे पहला वर्ड जो है वो है हमारे पास में बूम लेंथ के साथ इसको हम लोग कंसिडर करेंगे बूम लेंथ क्या होता है है कि जो जो हमारे लिए एक आ, इंक्लाइंड पोर्शन होगा ट्रस अरेंजमेंट दे दिया जाता है। उसी की हम लोग बात करते हैं बूम लेंद। बूम लेंथ लेंथ अपने आप में एक सेंटर के पॉइंट के अबाउट या एक तरह से कहो पिन पॉइंटेड होता है जो कि रोटेट करता हुआ जाता है यहाँ पे और उसी के चलते इस बात को डिसाइड किया जाता है कि कोई भी जो हमारे पास में रोटेशनल के जो सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है वो एक्चुअली में हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस तक हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं और जितना वो एक्सपेंड किया जा सकता है जितना वो एक्सपेंड किया जा सकता है उसी के बेसिस इस बात को फर्दर उठाते हैं कि यार, जितना वो एक्सपेंड होता मटेरियल एक जगह से उठा के दूसरी डंप करना है या उसको उठा के वर्टिकल लेके जाना है तो वो सारी चीजों को काम करने का जो आ, आ, जो मशीन या जो पोर्शन हम लोग स्क्रीन के अंदर बोलने वाले हैं वो अपने आप में कौन रहेगा हमारे लिए वो है बूम लेथ तो ये बूम लेंथ वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसका यहां पर जिक्र किया जा रहा है तो कंफर्म करो बेटा है कितना वर्क राइट कंफर्म कीजिए बेटा क्या ये बात समझ में आया कि जो भी कोई क्रेन की अगर जिक्र किया जाता है तो उस क्रेन के लिए बूम ही वो पोर्शन होगा जो एक्चुअली में यहां पर हम लोगों को इस तरह से पूरे मटीरियल को लिफ्ट होने में या लिफ्ट करने में हमको अधिक लिफ्ट करता हुआ हमको दिखाई देता हुआ जाएगा अच्छा एक बात समझो कि जितनी डिस्टेंस तक जैसे क्रेन यहां पे सेंटर्ड है और उसके अबाउट इस तरह से अगर रोटेट हो रहा है वो पूरा अगर पूरा सिस्टम अगर ये पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट होता हुआ दिखाई देगा तो उस केस के अंदर क्या ये कहा जा सकता है कि अपने आप में वो एक इसका ऑपरेटिंग मतलब इतनी डिस्टेंस के अंदर एक रेडियस भाई सेंटर से लेके बूम लेंथ है और वो इतने डिस्टेंस तक अगर घूम रहा है तो वो क्या अपने आप में सेंटर हो गया क्रेन और उसके बेसिस पे क्या रेडियस है जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं हालांकि इस रेडियस के अंदर एक बात और है जो आपको ध्यान देना है वो ये क्या ये वो रेडियस होगा जिसके अंदर वो इक्विपमेंट या वो क्रेन वर्क करती हुई हमको वहां पे दिखाई दे तो उसके बेसिस पे जो ये दिखाई दिया है उसके बेसिस पे इसका एक नाम दिया गया और उसको नाम दिया गया ऑपरेटिंग रेडियस ऑफ अ क्रेन ठीक है बच्चो ये आपके पास में एक या दो स्टेटमेंट है जो आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा ये जो हमारे पास में ऑपरेटिंग क्रेन डिस्टेंस के बारे में जो जिक्र मैंने किया है अभी उसके बारे में एक पॉइंट और आपको यहां पे इंक्लूड करना है और वो इस तरीके से क्या किसी भी पर्टिकुलर बूम किसी भी पर्टिकुलर क्रेन के लिए ऑपरेटिंग रेडियस का वेरिएबल होना हमेशा बूम लेंथ डिसाइड करता है क्या किसी पर्टिकुलर क्रेन के लिए जो उसका वेरिएबल होगा या फिर जो हमारे पास में ऑपरेटिंग क्रेन के लिए जो डिस्टेंसेज वगैरह जो हमें मिलेंगी क्या इन सभी को डिसाइड करने का काम सिर्फ और सिर्फ वो यहां पर बूम लेंथ ही करता हुआ जाएगा ठीक है तो आई होप बेटा आपको समझ में आया कि बूम लेंथ क्या है और किस तरह के पैरामीटर यहां पर दिखाई देता हुआ जाए ठीक है चल अब इन दोनों को ही हम लोग यहां पर इसमें देखते हैं एक एक करके सबसे पहला है जिसको हम लोग यहां पे जिक्र कर रहे हैं वो है यहां पे बूम लेंथ ऑफ द क्रील बूम लेंथ इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द बूम एंड फुट पिन टू द सेंटर लाइन बेसिकली uh, हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टली जिसको हम लोग यहां पे रखेंगे उसके बारे में जिक्रे दर्किंगली फॉर मैक्सिमम लिफ्ट बाय द बूम ले बूम लेंथ के लिए अगर हम लोग कहेंगे हॉरिजोंटल डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस तक वो लिफ्ट करेगा किसी भी मटेरियल को वो सारा का सारा काम सिर्फ बूम लेंथ के बेसिस पे ही होगा ठीक है चलिए अच्छा इसके बाद में नेक्स्ट यहां पर ऑपरेटिंग रेडियस ऑफ ए क्रेन इसके बारे में अगर जिक्र करें तो क्या यह कहा जा सकता है कि ऑपरेटिंग रेडियस ऑफ क्रेन उसको इंक्रीज करने का काम अपने आप में क्या बूम लेंथ भी होगा भाई बूम लेंथ जो है वो यहां पर अपने आप में क्या करेगा ऑपरेटिंग मतलब जो ऑपरेट करने के लिए जो डिस्टेंस हमको यहां पे प्लस माइनस हुआ है उन सभी को यहां पर हमें दिखाई देता हुआ जाएगा तो एक तरह से कह सकते हैं कि बूम लेंथ अपने आप में ये पर्पस है उसे भी यहां पर सर्व करता है ठीक है अच्छा अब जो हमारे लिए लोड 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 की बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी या कहो कि जो लोड हमें मिलेगा वो क्या क्या चीजों के साथ में होगा जय हिंद बेटा आपने ये चीज समझा होगा कि जैसे जब क्रेन की बात करते हैं जो वो लिफ्ट करने लगता है तो एक तो भाई वो एक्स्ट्रा लोड तो होगा ही होगा साथ में जो भी कोई मैंने हुक दिए हैं या ब्लॉक्स दिए हैं या फिर जो हमारे लिए ठीक है जो भी कोई हमारे पास में छोटी मोटी चीजें हैं जो भी रोप्स के साथ में या बूम लेंथ के साथ जो भी कुछ हमें वहां पे मिल रहा है इन सभी को हम लोग जो वहां पे आ, 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 उठाते हैं उसी को एक नाम दे दिया जाता है टिपिंग लोड ऑफ अ क्रेन तो अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा कि टिपिंग लोड ऑफ द क्रेन अगर क्या है तो आप उसे क्या कहोगे ये वो सारा लोड है जिसको एक आ, क्रेन है जो कि लिफ्ट करती हुई दिखाई देती है चाहे उसके अंदर हुक का लोड बोलो हुक ब्लॉक्स का लोड बोलो या फिर हमारे पास में जिस भी तरह के हॉस्टिंग इक्विपमेंट के साथ में या क्रेन के साथ जो भी कुछ हमारे पास में होगा सारी चीजें हम लोग वहां पर उनको क्लब करते हैं और जो हमारे पास में वर्ड मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं टिपिंग लोड तो आपके लिए क्वेश्चन ये रह गया बेटा कि टिपिंग लोड अपने आप में कैसे डिफाइन करोगे क्रेन के लिए टिपिंग लोड ऑफ द क्रेन आप कैसे डिफाइन करोगे बताइए ठीक है, चलिए जो हमें मिलता हुआ जाएगा यहाँ पे चलिए बेटा अब इसी में इसी का टिपिंग लोड के बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन टिपिंग लोड ऑफ अ क्रेन इट इज द लोड दैट प्रोड्यूसेस अ टिपिंग कंडीशन एट अ स्पेसिफाइड रेडियस ठीक है द लोड इंक्लूड्स द वेट ऑफ द आइटम बीइंग लिफ्टेड प्लस द वेट ऑफ द हुक्स हुक्स ब्लॉक एंड द हुक ब्लॉक्स एंड द स्लिंग्स एंड एनी अदर आइटम यूज in the hoisting the load and including the weight of the hoist uh, located between the boom length ठीक है ये उसके लिए बेसिकली सारी डेफिनेशंस वगैरह है उन सभी के बारे में जिक्र हुआ है यहाँ पे ठीक है अच्छा ये सब कुछ हमारे पास में जो वैल्यूज आपको दिए गए इसके बाद में हम लोग इनके कुछ क्रेन्स के पार्ट हैं जिनको हम अलग अलग तरह से उसमें डिवाइड करते हैं इनमें से एक टाइप का एक टाइप का क्रेन होगा जो हम लोग ऐसे कंडीशंस में देखेंगे कि सेंटर यहां पे रख दिया है और उसके अबाउट वो चारों तरफ से इस तरह से रोटेट होता हुआ हमको दिखाई देगा ठीक है वो वर्टिकल है मतलब एक पर्टिकुलर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस तरह से हम लोगों को वहां पे रोटेट होता हुआ जाएगा तो विद रेस्पेक्ट टू तो वर्टिकल उसका ये कह सकते हैं कि रोटेशन अगर हुआ है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है डायरेक्ट क्रेन उन्हें बोला जाता है स्टेशनरी और डायरेक्ट क्रेन के बेसिस पे उसको हम लोग जिक्र करते हैं ठीक है ये अपने आप में कुछ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स के लिए उनकी थ्योरीज वगैरह है ठीक है और क्रेन्स को ब्रॉडली जो हमारे पास है, पहला वर्ड जो मैं यहां पे डिस्कशन कर रहा हूं दैट इज डायरेक्ट क्रेन्स ठीक है तो डायरेक्ट क्रेन्स को अगर आप समझोगे तो कैसे होंगे वो वो होंगी क्रेन्स जिसके अंदर हमारे पास में एक बॉल इन सॉकेट टाइप का जो टाइम नहीं होता कि जिसमें कि हमारे पास में इस तरह से वो रोटेट करता हुआ हमें दिखाई देगा तो वो वर्टिकल के साथ में कोई एंगल बनाएगा और उस तरह से रोटेट होते हुए हमको दिखाई देते हुए जाए तो ये है वो डायरेक्ट क्रेन जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं यहां पर अब मैं अगर आपसे कहूं तो बेटा एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये वो पॉइंट है सेंटर वाला जिसके अबाउट इस पर्टिकुलर क्रेन को अगर मैं देखूंगा तो वो वर्टिकली इस तरह से मूवमेंट होता हुआ हमको वहां पर दिखाई देगा तो ये पूरा क्रेन इस, इस तरह से रोटेट होता हुआ आपको थ्रू आउट और ये बॉटम में यहां पे कहीं पे एक तरह से कह सकते हो कि एक सेंटर होगा जहां पर बॉल टाइप का एक अरेंजमेंट होगा पिन कनेक्शन जिसको कह सकते हैं या जो अरेंजमेंट होगा वो वहां पर आपको बॉटम में कहीं ना कहीं पे इस तरह से दिखाई देता हुआ जाएगा ठीक है अच्छा ये अरेंजमेंट को जब दिया जाता है तो इसको या तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है या डीजल है तो वो एस है। है तो एज पर लोड कैरिंग कैपेसिटी है सिर्फ इतनी सी है कि जिस किसी पर्टिकुलर क्रेन के अंदर ये कहा जाए कि वो एक पर्टिकुलर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करे बॉल टाइप का अरेंजमेंट बॉटम में रह जाए वही है हमारे लिए स्टेशनरी और डायरेक्ट क्रेन ठीक है तो इसका स्टेटमेंट इस तरह से कंसिस्ट ऑफ डाय मस्ट अ बोम और अ बॉल व्हील ऑन विच द बोम रोटेट्स अबाउट ए वर्टिकल एक्सेस बच्चों कंफर्म करो ये स्टेटमेंट समझ में आया आपको कि डायरेक्ट्रेन क्या होते हैं और कैसे इसको हम लोग बोलेंगे किस तरह से इसको डिफाइन किया जाएगा यहां पर सभी को समझ में आया ये वाला पॉइंट ठीक है चलिए अब इसमें देखो यहां पर यह अलग टाइप का लिए जो हमारे पास में ओवरहेड गेंट्री क्रेन गेंट्री क्रेन है उसे बोलेंगे मोबाइल क्रेन ये आप लोगों ने देखा होगा इक्विपमेंट के लिए सिटीज के अंदर जो काम में हम लोग लेते हैं वही है हमारे लिए जिसको बोला गया यहां पर टावर क्रेन और वायर्ड वायरलेड क्रेन ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे लिए जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेइंग इक्विपमेंट्स ये कन्वेइंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं तो इनको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे अगर मुझे एक जगह से दूसरे जगह तक मटेरियल को अगर लेके जाना है ठीक है तो उसके अंदर हम लोग उन मटेरियल्स को जब एक जगह से दूसरे जगह पे जब लेके जाते हैं तो जैसे अगर एक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल डायरेक्शंस में अगर उसे लेके जाना होता है तो हम लोग वहां पर जो इक्विपमेंट या अरेंजमेंट जो देते हैं उसे बोलते हैं कन्वेइंग हॉलिंग इक्विपमेंट ठीक है अच्छा इसकी अगर हम लोग बात करें बेटा तो आप लोगों ने ऐसा इसका यूज यूज देखा होगा यूज देखा होगा होगा सबसे ज्यादा इसका आप लोगों ने कि जो मॉल्स वगैरह होते हैं या फिर आप लोग रेलवे स्टेशन की बात करोगे या एयरपोर्ट्स की बात करोगे वहां हम लोग नहीं होता एस्केलेटर्स के ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते हैं वो अपने आप में कहीं हमें इसकी कंडीशन या ऐसा कुछ कंडीशन है जो कि हमें वहां पर दिखाई देता हुआ जाएगा तो कहीं ना कहीं पे ये कहा जा सकता है कि जब अगर हमें वहां पर मटेरियल को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल डायरेक्शंस के अंदर लेके जाना होगा तो हम लोग यहां पर इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को उसमें प्रोवाइड करेंगे ठीक है अब इसके बाद में नेक्स्ट आप इस तरीके से समझना कि कन्वेइंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल बेटा आप लोग जो भी डाउट से लास्ट में पूछेगा अभी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वन प्लेस टू अनादर ओवर ए स्टेशनरी स्ट्रक्चर ंग द इक्विपमेंट आर दो विच कैरी मटेरियल इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम विद इट्स डिस्टिंक्ट फीचर सच इज द एंडलेस चेन और बेल्ट बेसिकली होता क्या है कि जब अगर हम लोगों को मटेरियल को ट्रांसफर करना होगा राइट ठीक है तो उसके बाद में ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों को बेल्ट अरेन्जमेंट देना है या चेन अरेजमेंट देना है तो चेन अरेंजमेंट जो है कंटिन्यूसली मूव करता है मतलब इस इस से 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 तक जाएगा जाएगा फिर वापस से इस तरह से करता जाएगा, तो ऐसा दिखाई देगा कि वो अरेंजमेंट का कोई एंड नहीं है हमारे पास में राइट और जब वहां पर एंड नहीं होगा तो जो सिचुएशन हम लोगों को दिखाई देगी तो उसमें मटीरियल को हम लोग आसानी से ट्रांसफर करते हुए मतलब तो ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है तो वो जो हमारे पास में थ्योरी है वो इसके लिए यहाँ पर वैलिड होती हुई जाएगी एंड आई होप आप लोग इनके सबके नाम या इनके डायग्राम के बेसिस पे बहुत हद तक समझ पा रहे होंगे कि ये किस टाइप का अरेंजमेंट होगा और कहा और किन कंडीशंस के अंदर दिया होगा हाँ क्रशर के अंदर भी इसको काम बेसिकली ये एक बड़ा सीधा सिंपल सा अरेंजमेंट होता है इसे दिया जाता है इकोनॉमिकल होता है तो आसानी से हम लोग इसे प्रोवाइड कर सकते हैं मतलब ये इसके पीछे का एक रीजन थ्योरी या कह सकते हो ये कहीं ना कहीं पे इसके तरीके होते हैं मटेरियल को कहीं पर भी आ, अगर हम लोग आसानी से इसको पहुंचाना होता है तो इसको ले दिया जाता है अच्छा इसके लिए भी हमारे लिए जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने अभी आपके सामने बात की तो हॉरिजॉन्टल अगर उसे रखा जाता है हॉरिजॉन्टल नाम अगर दिया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्वेयर ठीक है अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसका नाम रखा जाता है कन्वेयर और अगर सेम टाइम पर वो वर्टिकल लेके जाता है तो उसको बोलते हैं एलिवेटर आई होप नाम से आपको समझ में आ रहा होगा एलिवेटर मतलब जिसमें हम लोग एलिवेशन में चेंज करता हुआ हमको दिखाई देता हुआ तो वो हमारे लिए हो गया एलिवेटर और जहां अगर हम लोग उसके हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो बोलेंगे कन्वेयर तो आपके पास में दो वर्ड है जो आपको पकड़ने हैं तो उनके जवाब दीजिएगा अगर मैं कभी बेटा वो आ, 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 जो कन्वेयर है या बेल्ट कन्वेयर है इन्हीं के तो एग्जाम्पल है मैं अगर आपसे पूछता हूं ये दो वर्ड्स के बारे में जब अगर किसी भी मटेरियल को या कोई भी इक्विपमेंट है जो हॉरिज़ॉन्टली अगर कैरी कर रहा है तो उसे क्या नाम दिया जाएगा अगर हॉरिज़ॉन्टली वो आ, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करके ले जा रहा है तो उसका क्या नाम दिया जाएगा कन्वेयर ठीक है दूसरा अगर मैं कहता हूं कि उसको वर्टिकल के लिए अगर बात करेंगे तो वर्टिकल के लिए अगर उसको बात किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग उसको कहा जाएगा एलिवेटर एस्केलेटर नहीं बेटा उसे एलिवेटर कहा जाएगा ठीक है चल, अब ये यहां पे देखो ंग कैन भी डन हॉरिजोंटली वर्टिकल और इनक्लाइन इन तीनों में से किसी में भी किया जाता है लेकिन आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो वेन द इक्मेंट डरिजोंटल कन्वे कन्वेयर एंड वेन इट डज द वर्टिकल इट इज कॉल्ड एज द एलिटर बच्चों ये वाला जो वर्ड है जिसके अंदर एक तो हमारे पास में कन्वेयर हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास में एलिवेटर ठीक है क्या ये दोनों वर्ड आपको समझ में आए कि एलिवेटर और कन्वेयर जो दोनों वर्ड है उनको किस तरह से यहां पर रिलेट किया गया इसमें ठीक है चलिए नेक्स्ट है जो यहां पर जितने भी ये जो रखे गए उन सभी के लिए एडवांटेज होंगे इट इंक्रीज द आउटपुट फैसिलिटी टू फैसिलिटेट्स द कंटिन्यूटी इन द ऑपरेशन रिजल्ट टाइम सेविंग वगैरह ये सब नॉर्मल जो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि अगर कन्वेयर है वहां पर काम कर रहा है तो उसके क्या बेनिफिट्स हम लोगों को मिलेंगे मतलब सीधा सिंपल सा ये है कि मटेरियल को पहले तो उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ और यहां हमारे पास में क्या कर रहे हैं हम लोग वो मटेरियल को जब वहां दिया जा रहा है तो वो हम लोग वहां पर इजीली पहुंचा दे रहे हैं तो उसके चलते कह सकते हैं कि बहुत हद तक हमारे एफर्ट जो हैं वो उसमें कम हो जाएंगे ठीक है राइट बेटा ये कंटेंट फाइल में इसमें ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये अब मिल जाएंगे वो आपको अभी तक नहीं थे अब मिल जाएंगे इसमें चलिए बेटा अब ये हमारे पास में आ, कुछ कन्वेयर्स हैं जो आप लोगों को मैंने इसमें डायग्राम के साथ में शो करता है सबसे पहला हो गया बेल्ट कन्वेयर ठीक है एक होगा स्क्रू कन्वेयर जो स्क्रू के अरेंजमेंट के साथ है आई होप ये बेटा डायग्राम से आपको विजिबल भी होगा इसके अंदर कि ये स्क्रू का अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं और एक होगा बकेट कन्वेयर और एरियल ट्रांसपोर्ट ये भी है जिसको हम लोग यहां पर कन्वेयर के लिए बेसिकली हम लोग किसी भी डायरेक्शन के अंदर अगर मतलब किसी भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं भले चाहे वो एलिवेटेड होगा तो भी इसको हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे राइट right, बेटा तो ये अपने आप में कुछ इस तरह से आपको इनके एग्जाम्पल्स मिलते हैं यहां पे ठीक है अब नेक्स्ट जो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉन्क्रीट इक्विपमेंट्स ठीक है कंक्रीटिंग की अगर बात की जाती है तो कंक्रीट के लिए हमारे पास में उसको दो तीन तरह से, ये कौन से होते हैं जिसके अंदर बेसिकली हमारे लिए सीमेंट्स एंड एग्रीगेट वाटर इन सभी को हम लोग मिक्स करते हैं तो वो कहलाता है हमारे लिए कॉन्क्रीट मिक्सिंग इक्विपमेंट्स राइट अब इन कॉन्क्रीट मिक्सिंग के लिए हमारे पास में एक होगा जिसको अगर आप इस तरह से सोचो कि मुझे अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट है या बहुत ज़्यादा कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूंगा कि कंटिन्यूअस्ली कंटिन्यूअसली वहां पर इक्विपमेंट्स के लिए हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग ये चाहेंगे कि जो मेरे पास में मैन्युफैक्चर हो कॉन्क्रीट या फिर जो कॉन्क्रीट की मिक्सिंग है वहां पर वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए ठीक है लेकिन ऐसा तो हम लोग वहां पे तब करेंगे ना तब जब मेरे पास में बहुत बड़े प्लांट की जरूरत है या सॉरी बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर ठीक है ठीक है जो हमारे ह्यूज अमाउंट का वहां पर हम लोग एक तरह से कह सकते हैं जो कंसिडर किया गया है ठीक है तब हम लोग इसको कंटिन्यूस मिक्सचर है जिसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे अगर बेटा हमारे पास में आ, यहां पर सपोज हम लोग ये कहते हैं कि ज्यादा नहीं है सपोज हमारे पास में ये ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत नहीं है तो इतना बड़ा प्लांट लगा के हम लोग ये सारी चीजों को अगर यहाँ पे देते हैं तो उसमें वेस्टेज हम लोगों का बहुत ज्यादा होता हुआ जाता तो इस बात को ध्यान में रखे ये वाला एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम लोग यहां पर कंसिडर करते हैं तो उसमें कंटिन्यूस मिक्सर है वो इस बात के ऊपर जाता है कि जिसमें कंटिन्यूसली प्लांट के अंदर ये मिक्सिंग है जो चलती रहती है लेकिन ऑफ कोर्स इसकी अगर बात करेंगे तो वो हमारे पास में हमेशा हमको लार्ज वर्क के लिए कंसिडर होगा कभी भी इसको स्मॉल वर्क के लिए हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे राइट right, बेटा ठीक है तो एक हमारे पास में आइदर इन द बैच मिक्सर और Continuous mixer, batch mixer, मतलब छोटे छोटे के गुड इवनिंग बेटा और जो हमारे पास में कंटिन्यूअस मिक्सर होगा वो लार्ज साइज के वर्क है उसमें परफॉर्म किया जाएगा ठीक है चलिए कंफर्म करो बेटा यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ में आए सभी को ठीक है ठीक है अब इसमें देखो जो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में अगर जो सपोज यहाँ पर जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे सपोज हमारे लिए काफी ज्यादा काफी ज्यादा अगर मटेरियल है तब हम लोग इसको कंटिन्यूस मिक्सिंग है जिसको हम लोग प्रोवाइड करें लेकिन अगर सपोज हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम लेवल पे या स्मॉल लेवल पे होगा तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि फिर छोटे-छोटे मिक्सिंग के बेसिस पे इक्विपमेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और वो जो छोटे बेसिस पे जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हीं को हम लोग वहां पर दो तीन तरह से जिसको डिवाइड कर देते हैं एक तो होता है वो कि जैसे जो घरों में या छोटे मोटे वर्क के लिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग जैसे कंस्ट्रक्शन के वक्त नहीं होता कि जिसके अंदर एक पूरा बॉल टाइप का होगा जिसमें हम लोग सीमेंट एग्रीगेट वगैरह देते हैं उसके बाद में प्रॉपर मिक्सिंग होती है रोटेट करता रहता है ब्लेड्स के साथ में और जब अगर हम लोग उसको टिल्ट कर देते हैं तो सारा का सारा मटेरियल वहां से निकल जाता है तो वो कहलाता है उसको टिल्ट कर सकते हैं हम लोग यहां पर राइट तो उसके बेसिस पे या वो टिल्टेड हमारे लिए होता है इसलिए उसका नाम रखा जाता है टिल्टिंग टाइप मिक्सर ठीक है ये हमारे पास में टिल्टिंग टाइप मिक्सर है जिसको हम लोग यहां पर कहा जाता है रोटेटिंग ड्रम वगैरह तो दोनों में ही होंगे अच्छा इसकी बात अगर करेंगे तो ये कहा जा सकता है कि ये जब इसको रखा जाता है तो ये हमेशा हमारे पास में स्मॉल क्वांटिटीज के साथ में इसको हम लोग रखते हैं मतलब ये हम लोग ये नहीं कहते कि ज्यादा बिगर वॉल्यूम के लिए इसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे छोटे वॉल्यूम के लिए इसके लिए रखा जाता है अच्छा इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो टिल्टिंग टाइप का मिक्सर होगा क्या उसकी सरफेस के ऊपर चांसेस हैं कि जो हमारे पास में कंक्रीट वगैरह है वो स्टिक हो जाए हो सकता है कि वो चांसेस वगैरह वहां पर जो भी कोई मटेरियल है वो चिपक जाए वहां पर और अगर वो चिपक गया तो जब मैंने उसको टिल्ट किया होता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सारा मटेरियल वहां से निकल जाए ये कोई जरूरी नहीं है और अगर नहीं है तो उसके चलते क्या एक तो कैपेसिटी घट जाएगा और कंक्रीट के बारे में आपको पता है कि आधे घंटे बाद में ये जिस जगह रह जाता है वो परमानेंट स्टोर होने की कोशिश करेगा या परमानेंट वहां पर स्टिक होने की कोशिश करेगा तो इससे नुकसान हमें क्या मिल गया कि अब ये हमारे पास में हम जो हमें जो वहां दिखाई देगा ये परमानेंटली स्टिक हो चुका होगा वहां पे तो इन सब के चलते ये कहा जा सकता है और कह सकते हैं हम लोग कि जब भी कभी जब भी कभी अगर हम लोगों को ये टिल्टिंग मिक्सर यूज करना होता है तो इसके लिए हम लोगों को जैसे नेक जैसे फर्स्ट हम लोगों ने टिल्ट करके रखा है तो उस केस के अंदर क्या करते हैं इसमें पानी डाल के उसको क्लीन किया जाता है ये एक बहुत बड़ा इसका कंडीशन है हालांकि इसको जब रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है ये जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हमेशा एक मार्किंग के बेसिस पे जैसे 100t 200t t क्या होता है टिल्टिंग मिक्सचर के बेसिस पे उसको बोलते हैं ठीक है थीके? और 100 क्या है इसका वॉल्यूम 200 क्या है वॉल्यूम जिसके साथ इसे यू, मतलब जितने वॉल्यूम तक का या जो लीटर आ, है उसमें इसको कैपेसिटी के बेसिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है अच्छा ये तो था जिसका मैंने जिक्र किया था वो था, था टिल्टिंग टाइप का ठीक है एक ऐसा भी होता है जिसको हम लोग बात करते हैं नॉन टाइप का तो उसमें क्या होता है कि वो फिक्स्ड पैटर्न में रहता है ठीक है उसमें कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास में जो ड्रम है वो इनसाइड अपने आप में ब्लेड और जो भी अरेंजमेंट है वो अपने आप में नॉन टिल्टिंग वो मतलब एक फिक्स टाइप का अरेंजमेंट है जो हमें वहां पर दिखाई देता हुआ जाएगा ठीक है अच्छा इसके अंदर यह है कि जो अगर स्पीड अगर कम होती है तो शायद ये हो सकता है कि उसके अंदर आ, 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 जो सारे पार्टिकल है वो अलग अलग वहां पर आ सकते हैं ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है जिसको हम लोग आ, यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं यहां पर ठीक है अच्छा चलिए बेटा मैं यहां पर एक दो पॉइंट्स है उनको एक बार हाईलाइट कर देता हूं फिर उसके बाद में आप देखना सबसे पहले बैच मिक्सर की अगर बात की जाती है तो ये कॉन्क्रीट बैच बाई बैच होता है जिनको हम लोग यहां पे कुछ टाइम इंटरवल में प्रोड्यूस करते हैं ठीक है अच्छा दूसरा अगर बैच मिक्सर की बात करते हैं तो क्या ये अपने आप में स्मॉल वर्क के लिए होंगे जैसा पहले हमारे पास में था ये वाला किसके लिए था कंटिन्यूस मिक्सर बिगर के लिए ठीक है इसको प्रोवाइड करेंगे बिगर के लिए लार्ज वर्क के लिए और जब अगर बेटा इसकी बात करेंगे बैच मिक्सर्स के लिए तो बैच मिक्सर्स के अंदर ये कह सकते हो कि यहां हमारे पास में जब कंक्रीट कम होगा या कंक्रीट की रिक्वायरमेंट अगर कम होती है तो हम लोग ये ड्रम टाइप का नहीं तो ये पैन टाइप का ये दोनों ही क्या है उनके बारे में बताता हूं ये है हमारे पास में सारे ड्रम टाइप के इसे बोलते हैं है पेन टाइप ये होता है पेन टाइप जिसको हम लोग बात करेंगे यहां पे ठीक है चलिए अच्छा ये इन सभी में एक एक करके अच्छा ये हो गया टिल्टिंग नॉन टिल्टिंग के बेसिस पे इनके ठीक है हा ड्रम टाइप मिक्सर्स हैं इनका बात करते हैं तो ये मिक्सर को क्लासिफाई किया जाता है टिल्टिंग नॉन टिल्टिंग एंड रिवर्सिंग टाइप ठीक है तो ये वाला सबसे ज्यादा है बेटा जो आप लोगों ने घरों में या फिर कोई भी छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन होता है उन सभी में आप लोगों ने सबसे ज्यादा काम आते हुए इसी को देखा होगा वहां पे ठीक है जिसको हम लोग यहाँ पर टिल्टिंग टाइप मिक्सचर का हम लोग जिक्र कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है अच्छा इसके बाद नेक्स्ट ठीक है ये हो गया ये कुछ इस तरह से डबल साइड होंगे कॉनिकल या फ्रस्टम टाइप के इसमें ब्लेड्स होती है जो इनसाइड होता हुआ फिक्स जाता हुआ जाएगा ठीक है जो हमारे पास में बिठाए हुए वहां पे पूरी तरह से अगर फिक्स्ड होता हुआ जाएगा हाँ बिल्कुल बोल सकते हो शशांक ठीक है छोटे वर्क अगर परफॉर्म करने होते हैं तो वहां पर हम लोग इनको यूज करते हैं ठीक है और ये इट इज टिल्टेड फॉर डिस्चार्जिंग द कॉन्क्रीट तो ये चीज समझ में आया कि जो हमारे पास में यहां पर ये वाला पोर्शन जो दिया जाता है वो हमारे पास में टिल्ट होगा तब जाकर उस मटेरियल को वहां से डिस्चार्ज करने की कोशिश मतलब तो डिस्चार्ज के वक्त ये टिल्ट होता हुआ हमको दिखाई देता हुआ जाएगा इसलिए इसका नाम रखा जाता है अच्छा इनका डिसएडवांटेज क्या है कि दैट सम समार एडेस टू द ड्रम एंड इट इज लेक्ट आउट इन द ड्रम ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग जो भी कोई हमारे पास में मोर्टार है वो लास्ट में से कुछ पोर्शन बेसिकली जो सीमेंट सेंड होता है ठीक है सीमेंट सेंड पानी जो है वो वहां पे छूट जाता है और इसके छूट जाने के चलते नुकसान क्या होगा कि वो वहां पे चिपक जाएगा और एक बार अगर वो चिपक गया तो उसके चलते अब होता यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी कोई हमारे पास में जो भी कोई हमारे पास में यहां पर मटीरियल माट, था या जो भी ड्रम है उसकी लाइफ जो है वो शायद डेंजर में आ चुका होगा ठीक है ठीक है सम अमाउंट ऑफ मोटर इज मिक्सड इन द मिक्सर बिफोर द फर्स्ट बैचिंग कॉल्ड एज द बटरिंग कुछ मोटर uh, होगा जिसको पहले वहां पर हम लोग वहां पर मिक्स करके देते हैं बेटा ये इसकी कुछ मार्किंग है इसको समझना ये हमारे लिए हंड्रेड टी वन फोर्टी टी एंड टू हंड्रेड टी इनका जिक्र किया गया इसके अंदर तो यहाँ पे टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टी रिप्रेजेंट कर रहा है टिल्टिंग टाइप मिक्सर और जो हमारे लिए एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एन रिप्रेजेंट कर मतलब जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये होगा कैपेसिटी लीटर के बेसिस पे बेसिकली वॉल्यूम है ये ठीक है तो इसको आपने इस तरह से याद रखना कि अपने आप में क्या है ये है वॉल्यूम जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहां पर ठीक है चलिए बेटा ये वाला पॉइंट यहां तक समझ में आया होगा आपको अब आते हैं नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर से नॉन नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर्स का अगर जब जिक्र किया जाता है ठीक है तो ये ब्लेड्स वगैरह के साथ में इस तरह से रखते हैं तो इसमें क्या करते हैं कंटिन्यूसली बेसिकली सप्लाई होती है और लास्ट में दूसरी जगह जाके सारे मटेरियल को हम लोग ऑप्टेन करते हैं हालांकि इसकी जो वैल्यू है उनको देख के एक चीज समझ में आएगा क्या यहाँ पे जो हमें कैपेसिटी मिलेगी जो भी कैपेसिटी है इन मिक्सचर की एज कंपेयर टू जो नॉर्मल मिक्सचर्स हैं क्या उनके कंपैरिजन में ये कहा जा सकता है कि यहाँ कैपेसिटी हमें बहुत ज्यादा मिलने वाली है राइट अगर हम लोग इन मिक्सचर्स के बारे में डिस्कशन करें तो क्या ये कहा जा सकता है कि यहां हम लोगों को जो भी कोई मिक्सचर के थ्रू जो हम लोगों को जो भी कोई यहां पर मिलने वाला होगा मटेरियल, वो हमारे पास में ह्यूज क्वांटिटी में मिलेगा तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है जिसे हम लोग ऑफकोर्स यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं अपने रिजल्ट के लिए ठीक है चलिए बिल्कुल

पार्टिकल्स अलग अलग वहां पे हमें दिखाई देते हुए जा रहे हैं मतलब ग्रेवल्स अलग हो चुके होंगे सीमेंट सैंड जो है वो वहां पर अलग जा चुके होंगे तो ये एक छोटी सी जो कंडीशन यहां पे आई है उसी को हम लोग यहाँ पर सेग्रीगेशन के साथ में जिक्र करेंगे ठीक है बिल्कुल बेटा वहां पर उसे ही यूज किया जाता है अच्छा ये है रिवर्सिंग ड्रम मिक्सचर अच्छा इस रिवर्सिंग ड्रम मिक्सचर की खास बात क्या है कि इसे कब और कहां यूज करेंगे तो आप इस तरह से समझना कि जब अगर बिल्कुल बेटा बहुत कम होता दो या तीन मिनट का ही टाइम होता है इससे ज्यादा होता भी नहीं है एक फिक्स वैल्यू है शायद वो कैपेसिटी के बेसिस पे अलग अलग वैरी करता है लेकिन हाँ टाइमिंग इतना ही होता है हम जो हमारे पास में रिवर्सिंग ड्रम टाइप का मिक्सर है उसमें होगा कैसे तो बताता हूँ ये देखो ये बैक साइड में आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे तीन सेगमेंट इस तरह से बने होते हैं कंटेनर टाइप के तो ये इनिशियली ऐसा होगा यहाँ पर ठीक है और उसके इस तरह से आपको यहां पर लेयर दिखाई देगा तो उसमें आप लोग क्या करोगे मटेरियल को ऐसे फिल करते हुए देखोगे ये तो जब यह यहां पर, हो हो पर, तो यह पर हम लोग रखते हैं तो उसके बाद में जैसे ये यह यहां पर होगा तो सपोज ये अगर एक डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो रहा है सपोज मैं आपसे कहता हूं ठीक है अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एक इस तरह से रोटेट कर रहा है ठीक है अगर ये रोटेट कर रहा होगा तो उस केस के अंदर क्या है कि जितना हमारे पास में मटेरियल था हम लोगों ने यहां से इसको मतलब टिल्ट किया होगा तो सारा मटेरियल इनसाइड जा चुका होगा यहां से मिक्स होता हुआ आया होगा पूरा और मिक्स होने के बाद में जब ये यह यहां पे पहुंचा होगा तब हम लोगों को यह है कि इसका टाइमिंग पूरा हो चुका है या फिर जितना हमारे रोटेशन वगैरह रखने तो उसको हटाना है निकालना है तो निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसका रिवर्स में यहां पर रोटेशन कर दिए जाते राइट right? इसलिए इसका नाम रखा जाता है रिवर्स ड्रम मिक्सर आई होप यह बात आपको समझ में आई कि जो हमारे पास में डायरेक्शन मिक्सिंग के टाइम पे यूज किया जाता है तो जब हम लोगों को डिस्चार्ज उसमें से करना होता है तो जो ड्रम इनसाइड रोटेट कर रहा होता है वो अपोजिट डायरेक्शंस में अगर हो जाता है तो उसके बेसिस पे इसका नाम दिया जाता है अब आप यहां पर इसके वर्ड्स देखो ऑल्सो नोन एज अ फोर्ट एक्शन टाइप मिक्सर ये लार्ज वर्क के लिए परफॉर्म करना है नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सर टिल्सर टू सेट्स ऑफ द ब्लेड्स ठीक है वन सेट ऑफ ब्लेड द द अदर ब्लेड द द मिक्स ड्रम इज रिवर्स बेसिकली जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हमको मिलेगा ठीक है तो वो हमारे पास में जितना हमारे लिए अपोजिट डायरेक्शंस में अगर मिलता हुआ जाएगा तब जाकर ये कहेंगे कि हमारे लिए वो मटेरियल डिस्चार्ज मटेरियल को आउटसाइड थ्रो करता हुआ हमको दिखाई देता है ठीक है अच्छा ये भी हमारे पास में अवेलेबल रोटेशन वगैरह के बेसिस पे इसको डिफाइन करेंगे अच्छा ये एक हो गया जब अगर रोड एंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट की अगर बात की जाती है तो उसके अंदर हम लोग डबल ड्रम पेविंग मिक्सचर इसका यूज किया जाता है यहां पर बेटा ये स्पीड वगैरह तो नहीं पता है हमको अगर स्पीड पूछोगे इनकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी हमारे पास में रियली सॉरी फॉर दैट ठीक है चलिए अब इसमें देखो कि अगर हम लोग एक बार पहले इसमें देखना कि अगर हम लोग जैसे रोड और पेमेंट की अगर बात करते हुए जाते हैं तो उनके अंदर हम लोग इस टाइप के मिक्सचर्स हैं इनका यूज करते हैं यहाँ पर और ये लॉन्ग ड्रम होगा जो कि अपने आप में दो पार्ट में इसको डिवाइडेड हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इसके लिए देखो कि अगर हमारे किसी पर्टिकुलर टाइम तक देखा जाएगा तो ये पूरा डबल ड्रम के अंदर कॉन्क्रीट प्रॉपरली मिक्स करते हैं और फिर हमारे लिए जहां इसके लिए uh, कहते हैं कि जहां हमको इसकी जरूरत होगी तो वहां तक uh, इसको ड्रॉप कर दिया जाता है बस बेटा कुछ देर और चलेगी क्लास ठीक है कुछ देर और चलेगी ज्यादा नहीं ठीक है मैं इसका स्टेटमेंट आप लोगों के लिए रीड आउट कर देता हूं दिस पिक्सर इज यूज फॉर द मिक्सिंग कॉन्क्रीट फॉर द रोड और पेमेंट कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रम डिवाइडेड इंटू टू पार्ट बायफॉर्म एंड इन सीरीज दीट इज इनिशियन टाइम इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट एव द ड्रम एंड देन ट्रांसफर टू द सेक्शन कंपार्टमेंट फॉर दीक है ये इसके लिए कुछ इसमें गाइडलाइंस है वैल्यूज ये है पेन टाइप मिक्सर्स पेन टाइप मिक्सर्स क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं ठीक है जैसे अगर मैं आपसे कहूंगा कि जो स्टेरिंग मिक्सचर्स uh, की अगर जो बात की जाती है वो हम लोगों को यहां मिलता है तो उसको हम लोग यहां पे बोलते हैं पेन टाइप मिक्सचर्स ठीक है इसमें मिक्सिंग करते हैं बेसिकली एक लेवल सरफेस पे लेके और वहां जाकर इसको प्रॉपरली इस तरीके से देखा जाता है ठीक है और ये हमारे पास में नॉन मोबाइल मिक्सर्स भी इन्हें कहा जाता है यूज फॉर यूज एट द सेंट्रल मिक्सिंग प्लांट एंड प्री कॉन्क्रीट फैक्ट्रीज ठीक है उनके लिए इसको हम लोग यूज करते हैं बेटा ये जो हमारे पास में मैंने मिक्सर्स के लिए जो थोड़ा बहुत डिस्कशन यहाँ पर जो किया है इन्हीं में एक मिक्सर और होता है जिसको हम लोगों ने आज तक आप देखा होगा जिसको हम लोग ट्रक के बेसिस पे देखते हैं जो नहीं था जिसको ट्रांसिट मिक्सर भी कहा जाता है जिसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोग बैचिंग प्लांट से जो होता है वो उसमें साइड तक अगर लेके जाना होता है तो उनके लिए सारे प्रपोशन वगैरह में उसको फिल कर दिया जाता है और उसके बाद हम लोग उसको लास्ट तक वहां पे ट्रक के अंदर कैरी करके लेके चलते हैं तो ये है हमारे लिए उनको नाम दे दिया जाता है ट्रांजिट मिक्सर्स ठीक है वो इस तरह का होगा जो आप लोगों को दिखाई देगा इसमें ठीक है द फंक्शन इज टू कीप द एजिटेटेड कंडीशन मतलब वो जो है उसके अंदर एकदम ऐसा होना चाहिए फ्रेश के बेसिस पे नहीं बेटा मैन्युअली तो नहीं होगा ये सारे मशीन से ही होंगे ट्रांसपोर्टेड फ्रेश कंक्रीट फ्रॉम द बैचिंग प्लांट टू साइट ठीक है नेक्स्ट इसमें चल बेटा ये यहां तक आप लोगों का मिक्सचर्स की जो थ्योरी है वो यहां पर एंड होती है ठीक है इसके बाद में एक सेगमेंट और रहता है इसी के लिए जो कॉन्क्रीट के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं और अभी के लिए मैं आपके कुछ पीवाई हैं उनका डिस्कशन यहाँ पे कर लेता हूँ ठीक है ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है बेटा वो बेटा स्लाइड थोड़ा सा अलग था यानी स्लाइड थोड़े से वो डिफरेंट थे टिल्टिंग मिक्सचर्स का बताया तो था बेटा उसके अंदर लिखा हुआ तो था इसमें ठीक है चलिए आंसर इसमें वाइब्रेटर्स आर यूज फॉर हां बेटा बहुत जल्दी वाइब्रेटर्स आर यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट विच आव द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द डायरेक्ट क्रेन डायरेक्ट क्रेन के कौन कौन से पार्ट uh, नहीं होंगे जो वर्टिकल के साथ में इस तरह से मूवमेंट होता है थर्ड में नहीं जैक बुल बिल नहीं है इसके लिए इस, इस नॉट बेटा इसके लिए जैक के लिए लिखा हुआ है कि जैक इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट इसके लिए जैक के लिखा हुआ मैं फिर भी इसको चेक करवा देता हूँ आप लोगों की ठीक है द शेप ऑफ द का ब्लेड फिक्स इन साइड द ट्रांजिट मिक्सर ंगिंग कॉन्क्रीट फ्रॉम आर एम सी प्लांट टू साइट इज बेटा वो आ, रंजन उसको मैंने होल्ड करवाया खुद से भी आरएमसी प्लांट से जो साइट पे आते हैं उनकी जो कार्ड ब्लेड्स होती हैं वो किस लिए है वो तो क्या है तो उनका शेप क्या होता है उनका शेप क्या रखा जाता है उन्हें बोलते हैं स्पाइरल ब्लेड्स वो होंगे स्पाइरल ब्लेड्स नेक्स्ट है व्हाट इज द कन्वेयर सिस्टम यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग लूज मटेरियल्स लाइक सॉइल ओर्स कोल कंक्रीट एटसेट्रा विदाउट द नीड फॉर द फुल टोटल एनक्लोजर कवर जिसमें नहीं है बेल्ट कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर फॉर द थ्री डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ ए वेट इन अ कंस्ट्रक्शन साइट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीनरी इज मोस्ट सुटेबल थ्री डायमेंशनल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें कौन सा मशीन है जो सबसे ज्यादा सूटेबल होगा हमारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगा एलिवेटर्स एंड कन्वेयर्स आर एलिवेटर्स एंड कन्वेयर्स आर एलिवेटर्स एंड कन्वेयर्स हैं वो क्या किस कैटेगरी में इनमें डिवाइड करोगे इनमें से फॉलिंग फॉर्स्ट का मतलब होता है उठा के लेके चलना वहां पर वो नहीं है यहां विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्रेन घेंट्री क्रिंट भी है ये है जॉनसन ये नहीं है इसके अंदर मतलब इसका जिक्र किया गया इसमें बाकी सारे हैं विच ऑफ द दिस कंस्ट्रक्शन अर्थवर्क अर्थवर्क एक्सकेबिशन इज नॉट कंसिडर्ड विच ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन अर्थवर्क एक्सकेबिशन इज नॉट कंसिडर्ड अर्थवर्क जिसमें कंसिडर नहीं किया गया है <laughs> लग तो यही रहा कि टाइटल ये वो स्टेयर्स एग्जाम्पल फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो टाइप इक्विपमेंट इज फोयर एरिया बेटा देखने पड़ेंगे ये सारे वर्ड्स घर के एंट्री का जो एरिया होता है उसको बोला गया आ, फोयर, आ, फोयर एरिया एंट्री होने के बाद में जो घर का होता ना बेल्ट कन्वेयर्स द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरमीडिएंट टाइप इक्विपमेंट इज कॉन्क्रीट मिक्सर्स ये अपने आप में ही पूरी तरह से कंप्लीट है ठीक है गेंट्रिक ट्रेन इज नॉर्मली यूज इन गेंट्रिक क्रेन इज नॉर्मली यूज इन वर्कशॉप के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन प्राइम मूवर्स एंड दस इज कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रीली ऑन द प्रोजेक्ट साइट्स। बेटर टाइम लगेंगे इन सब में अभी काफी सारा पेंडिंग है जो धीरे धीरे करके क्लोज कर रहे हैं Almost अब इसका क्लोज हो गया अब इसके बाद जो भी इसकी क्लास होगी वो स्पेशल में ही होगी यहां नहीं होगी अब इसकी क्लास एक क्लास इसके लिए जो बाकी है इनमें इन से आ, प्रोजेक्ट साइड पे तो वो हमारे लिए मोबाइल क्रेन जिसका जिक्र किया गया था वो ठीक है द लिफ्टिंग इक्विपमेंट यूज फॉर हैवी मटेरियल इज कोई बात नहीं ये इस टाइप के क्वेश्चन है ये एक ही बार सॉल्व करने उसी में समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद में याद रहेंगे धीरे धीरे करके ये फॉर में डी क्रेन ठीक है ट्रे आ, ट्रेलर्स आर यूज्ड ट्रेलर्स आर यूज्ड इक्विपमेंट के तौर पे काम में आना। कॉमन पंप यूज इन दिल्ली बिल्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आने वाले जो नॉर्मल कॉमन पंप्स होते हैं वो कौन से हैं? Centrifugal, submersible, air jet, all of the above. बस बेटा नौ क्वेश्चन दस क्वेश्चन और बच रहे हैं बस ए सेंट्री पंप। रोलर्स आर यूज फॉर रोलर्स आर यूज फॉर समर्सिबल हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये सबको पता होगा सब कंफर्टेबल होंगे इसमें जवाब देने में क्यों कॉम्पेक्शन द मोस्ट वर्सटाइल लेबर सेविंग हॉलिंग इक्विपमेंट इज जिसमें सबसे ज्यादा लेबर्स का बेनिफिट होता है लेबर के लिए वर्क बहुत इजीली करता है वो कौन सा इक्विपमेंट है डंप ट्रक्स डंप ट्रक्स होते हैं ना मटेरियल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द डायरेक्ट क्रेन अभी कुछ टाइम पहले फिर आया था jack Which one of the following does not fall under the category hoisting equipments? for three dimensional movement of the of a weight one of the following is the most suitable match the list first and second Select the correct answers. विच मैन ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्रोलर माउंटेड बुलडोजर्स ओवर द व्हील माउंटेड बुलडोजर्स क्रोलर माउंटेड की बात कर रहे हैं इसमें

ठीक है बेटा ये यहाँ पर एंड होता है स्पेशल क्लास में होगी okay. यहाँ पर हम लोग ये ये के लिए आप लोग मेरी द कंटेंट फाइल से करना वहां आपको मिल जाएगी ठीक है मेरे अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट नाइनटी परसेंट एट्टी परसेंट तक हो चुका है लेकिन इसके टेन टू ट्वेंटी परसेंट अभी बचा हुआ है लेकिन इसका जो भी होगा डिस्कशन अब स्पेशल क्लास में होगा ठीक okay. है और कल बच्चों हम लोगों की कुछ क्लासेस हैं जिसमें आप ये कह सकते हो कि उनके पी वाई क्यूज का डिस्कशन है जो हम लोग करेंगे डिस्कशन होगा तो आप चाहो वो क्लासेस हैं मेरे साथ मॉर्निंग में ही उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हो और वो क्लासेस हैं जिनके साथ साथ में आप लोग कंटेंट हम लोग साथ साथ आ, उठाते हुए चलेंगे ठीक है बच्चों चलिए अभी तक की जो मेरी आज की जो क्लास है मैं इसको यहीं पे होल्ड करता हूँ कल हम लोगों ने आई कोड की एक क्लास रखी है आ, दिन में अराउंड वो चार बजे के आसपास एक क्लास होगी जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो आई एस कोड है उसका जिक्र करेंगे आई एस एट डबल जीरो का पहले भी एक बार था ही, हमारे पास में डिस्कशन लेकिन उसके बाद में कुछ थोड़ा सा रह गया था वो पोर्शन तो उसको हम लोग वापस से अब यूज़ करेंगे ठीक है चलो बच्चों मिल आ, मिलते हैं आप लोगों से स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग मॉर्निंग है सुबह सात बजे के आसपास और जो आ, हमारे लिए बाद वाली जो आ, है नाइट में जो होगा आफ्टरनून में जो स्टील कोड का जो डिस्कशन होगा लगभग वो तीन से आ, चार बजे के आसपास होगा ठीक है स्टील के लिए राइट ठीक है बच्चों मिलते हैं आप लोगों से तब थैंक यू नमस्कार बाबा टेक केयर जय हिंद